जय हिंद दोस्तों, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। लेकिन आज मेरे साथ जो हैं वो हैं नेटफ्लिक्स सुपरस्टार सीमा तापुड़िया जी। कुछ लोग उनको सीमा आंटी बोलते हैं, कुछ लोग सीमा मामी बोलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं उनको जानते तो जल्दी से यूट्यूब सर्च कीजिएगा और सीमा तापुड़िया जी आपको हर जगह मिलेगी। सीमा तापुड़िया जी, क्या आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे सभी से? आई एम सीमा तापुड़िया फ्रॉम मुंबई, द होल वर्ल्ड नोज बाय दिस। और नेटफ्लिक्स शो तो आप सब ने पूरे वर्ल्ड, इट्स रॉकिंग पूरा वर्ल्ड एंड एवरीबडी हैज़ वॉच इन एवरी कंट्री, एवरी सिटी, एवरी कास्ट, एवरीबडी। और ये इतना रॉक हो गया है कि हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि शो रॉक होगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड काइंड दैट गॉड इज़ ग्रेट। यस यस, अनडाउटेडली सीमा जी। इनफैक्ट ये जो आप मैच मेकिंग करती हैं ना, मैं थोड़ा सा उसको ऐसे कहना चाहूँगी कि मैं भी एक मैच मेकिंग करती हूँ, पर वो बहुत अलग है। और मेरी मैच मेकिंग है एजुकेशन के साथ, तो मैं सही लोगों को सही चीज़ के साथ मैच करती हूँ, लेकिन आप तो व्यक्तियों को मैच करती हैं। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। आपको फील कैसा आता है जब बिल्कुल एक हैप्पी मैरिज हो जाती है किसी की एंड दे आफ्टर फ्यू इयर्स दे मीट यू, तो आपको क्या फील होता है? देखिए, ये मैच मेकिंग मैं 2005 से स्टार्ट की हूँ एंड बिकॉज आई हैड अ यूनिक एबिलिटी टू टॉक टू पीपल, टू अंडरस्टैंड देम, टू सोशलाइज देम, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, अपने समाज में इतनी सख्त जरूरत है इस काम की, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट एंड इट विल बी अ सर्विस टू द सोसाइटी। आज कम्युनिटी को सर्विस देना, आज के ज़माने में कोई रिश्ता आपस में बताते नहीं है, इन अरेंज मैरिज हम मैच मेकर की ज़रूरत होती है। सो आई स्टार्टेड दिस इन 2005 एंड जब मैच होता है तब डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है सामने वाले से, यू गेट अ सेंस ऑफ पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने किसी को दो लोगों को मिलाया है, दो लोग को खुशी दी है, इससे भगवान ने मुझे इस धरती पर मीडिएटर बना के भेजा है इस काम के लिए, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश रहती हूँ और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है जिनकी शादी होती है। राइट सीमा मैम, एक सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ, लोगों के स्कूल्स इस्टेब्लिश कराती हूँ, राइट लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को वहाँ तक पहुँचाती हूँ, क्या पढ़ना चाहिए वो भी बताती हूँ, तो क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है तो आपकी नज़र में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, या पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पेरेंट्स को बच्चे के पैदा होने के बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, 20 साल पहले तक तो पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस था नहीं। जैसे मेरी शादी हुई है 38 ईयर्स पहले, आई वॉज जस्ट 12th पास, शादी हो गई, फिर उसके बाद मैंने डिग्री की शादी के बाद, तो जब पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, ये जस्ट ये था कि अच्छे घरों में शादी हो रही है, अपने घर रहो एंड अपना कुछ छोटा मोटा कुछ करो, जैसे मेरे साथ भी यही था। बट सिंस चाइल्डहुड आई हैड एम्बिशन कि मुझे पूरे वर्ल्ड में नाम करना है, मुझे लव एंड रेस्पेक्ट चाहिए वर्ल्ड से, तो ये काम से मुझे लव एंड रेस्पेक्ट मिला और फेम भी मिला। और आजकल के ज़माने में क्या है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ आज बच्चे लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं, एब्रॉड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं पढ़ाई, उससे क्लैरिटी होती है, एक्सपोजर मिलता है, बच्चे अपने टॉपिक पे बात कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ाई से हासिल कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में आई टेल दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर लड़की पढ़ रही है, लड़के तो पढ़ ही रहे, बट गर्ल्स आर स्टडिंग मोर देन बॉयज, दे आर गेटिंग मोर डिग्रीज बिकॉज स्टडी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपना दिमाग खुलता है, एक्सपोजर मिलता है, यू कैन टॉक इन द सोसाइटी, यू कैन मीट पीपल, यू कैन एक्सप्रेस योर नॉलेज, एवरीथिंग, मेनी थिंग्स है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज होती है एजुकेशन से। सो आई वुड से दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट, आपने जो बात बोली है ना, दैट एजुकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कई बार क्या लगता है कि बच्चे को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं या कितना पढ़ाएं, तो देखिए करियर ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर करियर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, सही बात, हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने परिवार को और सुशिक्षित कर सकते हैं, एम आई राइट? जी मतलब पढ़ाई से क्या है कि बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। एंड आपने मुझे कल एक बात बोली थी जब हम लोग कल साथ बैठे थे कि पढ़ाई के साथ साथ वैल्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ना जब किसी कपल को या किसी जो लड़के लड़कियां हैं उनको, मैंने आपके बहुत सारे चैनल्स मतलब वीडियोस पर देखा है, आप कुछ तीन आपके बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जब आप लोगों को बोलते हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे रह सकती है, तो वो आप शेयर करेंगे सबके साथ? देखिए, ये पहले था कि कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, गिविंग, केयरिंग, लव, रेस्पेक्ट, ये सब चला आ रहा था, बट आजकल यूथ का थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज आज जनरेशन गैप होने से और से यूथ का चेंज हो गया। तो आई वुड गिव गुरु मंत्र टू द यूथ दैट आप अपनी देयर फोकस, देयर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है गिविंग, केयरिंग, लॉयल्टी, शेयरिंग, ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड मैरिज लाइफ आई वुड से। नहीं तो आजकल के ज़माने में जो डिवोर्सेज हो रहे हैं, जो डिप्रेशन जा रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे उसके कारण हो रहे हैं।
और मैं लोगों को यही बोलूँगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, गिव अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा पार्टनर की स्ट्रेंथ एक दूसरे की शेयर करो, ये थोड़ी सी वैल्यूज अपने हाथ में ले ले तो लाइफ विल गो स्मूथली, हाउ प्रॉब्लम। हाउ नाइस, आई मीन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिस्पेक्ट तो मैम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो होना ही चाहिए, पर मुझे लगता है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, टॉलरेंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज, की नो ईगो एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड, वो कहीं भी लागू होती है चीज़ तो, एवरीवेयर इट इज, आई मीन अप्लाइड एवरीवेयर, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। हालांकि आपने जवाब दे दिया है, पर मेरे मन में ना एक बहुत देर से और लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि आपकी भैया से लड़ाई होती है। हम लोग दोनों ईस्ट एंड वेस्ट हैं, सोचिए आप, बट 39 इयर्स से वी आर स्टेइंग हैप्पीली बिकॉज वी अंडरस्टैंड, वी आर फ्लेक्सिबल, वी अप्रिशिएट ईच अदर स्ट्रेंथ। हमारा खाना पीना डिफरेंट है, थॉट्स डिफरेंट है, हॉबीज डिफरेंट है, आई एम सोशल तो ही इज नॉट सोशल, लेस सोशल, तो वी आर, हम लोग बहुत ईस्ट एंड वेस्ट है, बट हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करके एकदम मज़े से रह रहे हैं, वी आर हैप्पी एंड बिहाइंड माई सक्सेसफुल, माई हस्बैंड इज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सो आई गिव हिम फुल 100 मार्क्स, ही हैज सपोर्टेड मी सो मच। ईस्ट वेस्ट होते हुए हम लोग एकदम खुशी रह रहे हैं, सो देर इज नो प्रॉब्लम। ये आप लोग भी रह सकते हो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा फ्लेक्सीबल रहो, थोड़ा सा सिचुएशन दे के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, दैट्स ऑल, देन लाइफ विल गो स्मूथ। सीमा मैम पता है मुझसे भी बहुत सारे बार ये सवाल पूछा जाता है, आई एम एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, मतलब मेरे हस्बैंड कर्नल पीयूष अग्रवाल, तो लोग कई बार पूछते हैं कि वो क्या इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हैं जैसे फौज में रहता है। तो जैसे आपने बोला ईस्ट वेस्ट तो नहीं, मतलब हम लोग काफ़ी कुछ मैच करते हैं, बट आई ट्रूली लव हिज कंपनी, मतलब मुझे उनके साथ लड़ाई करने में भी मज़ा आता है, उनके साथ बात करने में भी मज़ा आता है, अच्छा वो अपनी राय दें तो मुझे राय बदलवाने में भी मज़ा आता है। तो ये जो आपने बोला ना कि हम अलग अलग ओपिनियंस के हो सकते हैं, बट येस योर हस्बैंड इज डेफिनेटली, जैसे आपने बोला पिलर, तो इवन फॉर मी, हालांकि मैं पढ़ाई के बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मैंने भी बहुत सारी पढ़ाई शादी के बाद और बच्चों के बाद भी करी है, एंड वॉट एवर आई एम टूडे, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुझे एजुकेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, मैम इतनी सारी कंट्रीज में मैं जाती हूँ, इतने सारे लोगों के स्कूल इस्टेब्लिश कराती हूँ, इतने सारे प्रिंसिपल्स और स्कूल ओनर्स से मिलती हूँ, तो ये सारा जो मौका मिला है मुझे लगता है कि द हस्बैंड इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर। अब मैम आपने इतनी सारी बातें करी, अब हम दोनों एक बहुत अच्छे से मैसेज के साथ कंक्लूड करना चाहेंगे। अच्छा आपके मन में अगर कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि शायद एजुकेशन वालों से आप तो मुलाकात कम होती है, फैमिली से ज्यादा होती है, राइट, तो अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल हो तो आप मुझसे भी पूछ सकती हैं। अभी तो तुरंत मैं स्ट्राइक नहीं हो रहा मुझे कुछ, राइट। अच्छा मैम पेरेंट्स को राइट टाइम पर, क्या कौन सा राइट टाइम है जो बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए? देखिए मैं तो बोलूँगी जितना इन अरेंज मैरिज से, लव मैरिज में तो ठीक है उनकी पसंद है कभी भी हाँ हो जाती है, इन अरेंज मैरिज जितना जल्दी हो सके वी मस्ट सर्च फॉर अ मैच, क्योंकि लेट करेंगे तो ऑप्शंस कम मिलेंगे, वी नॉट गेट अ गुड चॉइस। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को 30 तक शादी कर लेनी चाहिए ताकि यू गेट अ गुड चॉइस, ज़्यादा लेट करने से कॉम्प्रोमाइज होगा, जस्ट चलो भाई अब कोई नहीं है तो चलो इसके लिए हाँ कर दो, यू गेट लेस ऑप्शंस, सो दैट इज माय एडवाइस, 30 तक लड़कियों को कर। देखिए सभी को एक हिंट मिल रहा है, सीमा मैम ने उनकी शादी 19 इयर्स में हुई थी, पर वो बच्चों को बोल रहे हैं कि 30 तक कर लो, है ना, उससे ज़्यादा डिले मत करो, जबकि मेडिकली मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं, मतलब मैं एक डॉक्टर फैमिली से आती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि एक राइट एज है जो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होकर जैसे ही हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं आफ्टर 20, बिटवीन 25 एंड 30 ईयर्स। लेकिन अगर सीमा मैम बोल रही है तो इसका मतलब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई 25-22-23 की लड़की आती है तो वी डोंट हैव अ मैच, बच्चे तो अपने बाल विवाह क्यों, नहीं नहीं, नोबडी वांट्स टू मैरी, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू सेटल, तो मेरे पास आते हैं 23, 24, 25, बट आई डोंट हैव अ गुड मैच, 30 इज अ राइट, 30 तक कर लेना चाहिए, उसके आगे होती है लेट, इट्स ऑल डेस्टिनी, ये अपने बोलते हैं चलो कर लो, अपने हाथ में थोड़ी कुछ है, डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो 30 तक आई से कि कर देना चाहिए, राइट। सीमा मैम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करने के लिए, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं आपके साथ, अभी आपके साथ कभी मुंबई आऊँगी तो और बढ़िया मुलाकात होगी और बातें करेंगे, मतलब ये मौका मिला आपके साथ, कल से हूँ साथ साथ हम लोग, और बहुत कुछ सीखने भी मिला आपके साथ, सो थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। देखिए दोस्तों आज हम लोग थे सीमा तापड़िया जी के साथ, और मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big wonder, I am sure आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा
और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी दबा दिया होगा। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर कभी कभी बहुत सुपर सेलिब्रिटीज को लेकर आती रहूँगी। आज आपने जो सीखा है दैट यू नो एजुकेशन मैटर्स, और किससे सुना, सीमा जी से, जिनकी बहुत अर्ली मैरिज हो गई। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, आज के लिए जय हिंद।